हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल। 19 और 20 अगस्त 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर लेकर के हम फिर से आ गए हैं। आई एम वेरी सॉरी, कल और आज न्यूज़पेपर नहीं बन पाया था बिकॉज ऑफ सम वर्क। एंड आप लोग का भी रिस्पांस क्या है, बहुत अच्छा आता नहीं है। तो एक अंदर से जो मोटिवेशन एक पहले रहा करता था वो कहीं ना कहीं मिसिंग है ज़रूर। एंड आई होप आप लोग इसको ज़रूर लाइक करेंगे, ज़रूर शेयर करेंगे। मुझे पता है कंटेंट इससे अच्छा आपको नहीं मिलेगा, बट देन ऑल्सो इंडिया में थोड़ा प्रॉब्लम है लोगों को कंटेंट को लेकर के, कि जो नॉर्मल इधर उधर की अगर मैं बकवास करूँगा तो ज़्यादा चलता, अगर मैं सीधे स्टूडेंट पॉइंट अगर पढ़ा रहा हूँ तो डेफिनेटली आप लोग उसको पसंद नहीं करेंगे। बट एनी हाउ वी विल बी कीपिंग अहेड विद द न्यूज़ एनालिसिस। सबसे पहले आज के सवाल, जिनके जवाब अगर आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं, दैट विल बी वेरी गुड। पहला सवाल है, पालन 1000 कैंपेन विच वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली। ये मैंने आपको पढ़ाया भी था पालन 1000 के रिगार्डिंग। आपको बताना है किससे रिलेटेड है। ऑप्शन आर, फर्स्ट इट फोकसेज ऑन द प्राइमरी एजुकेशन ऑफ द चाइल्ड अप टू क्लास 5। सेकेंड इट फोकसेज ऑन ब्रेस्ट फीडिंग ऑफ चिल्ड्रेन इन द फर्स्ट 1 ईयर ऑफ देयर लाइफ। थर्ड इट फोकसेज ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन द फर्स्ट 2 ईयर्स ऑफ देयर लाइफ। एंड तीसरा इट फोकस ऑन चिल्ड्रेन्स फिजिकल डेवलपमेंट थ्रू इनफ फिजिकल एक्टिविटीज ऑन स्कूल एंड होम। वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, लेकिन ये मैंने आपको पढ़ाया था, आप लोग अटेम्प्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। आंसर इसका करेक्ट है, सी विल बी द आंसर फॉर दिस। पहले 2 सालों के लिए जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है चिल्ड्रन का वो करना है, ठीक है ना। दूसरा सवाल है रिगार्डिंग प्रिजन। स्टेटमेंट 1 कह रहा है प्रिजन इज ए कॉन्करेंट सब्जेक्ट। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है स्टेट गवर्नमेंट आर एम्पावर्ड टू रेमिट सेंटेंसेस अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। तो आपको बताना है इनमें कौन से स्टेटमेंट सही हैं, वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन। इसका आंसर भी आप अगर अटेम्प्ट करना चाहें तो ज़रूर करें। मैं इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ। करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी बी, यानी कि दूसरा बस सही है। पहला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि प्रिजन एक स्टेट सब्जेक्ट है, ना कि कॉन्करेंट सब्जेक्ट है, इट्स अ स्टेट सब्जेक्ट, है ना। और सेकंड जो है वो बिल्कुल सही है। जैसे आर्टिकल 72 के तहत प्रेसिडेंट को, आर्टिकल 161 के तहत गवर्नर को, उसी तरीके से CRPC के सेक्शन 432 के तहत जो ये पावर है ये आपको दी गई, किसके पास दी गई है, ये स्टेट गवर्नमेंट के पास दी गई है रिमिट करने की, यानी कि पनिशमेंट को थोड़ा कम कर देने की पावर, कम करने की, है ना, 20 साल की सज़ा 14 साल में ख़त्म करने की पावर। तीसरा सवाल है एफ़ इंसास प्रोग्राम के बारे में। मैंने आपको बताया भी था, पढ़ाया भी था। स्टेटमेंट कह रहा है इट इज़ फोकस्ड ऑन डेवलपिंग इंडिजिनस ऑटोमेटिक वेपन फॉर द आर्मी। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है निपुण माइंस आर एंटी पर्सनल एंड एंटी टैंक माइंस। अब निपुण माइंस को इसने एंटी पर्सनल एंड एंटी टैंक माइंस कर दिया, तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो गलत हैं, बोथ स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, देयरफॉर द करेक्ट आंसर विल बी डी। ये मैंने आपको पढ़ाया था निपुण, हाँ एंटी पर्सनल माइंस है, एंटी टैंक माइंस नहीं है, और पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत है, ठीक है ना, ऑटोमेटिक वेपन के लिए नहीं है। ये 3 तरीके से मैंने आपको बताया था अटैक करने के लिए आर्मी को तैयार करना है, थ्री टाइप्स ऑफ अटैक्स आर बींग प्रिपेयर्ड, तो वो है एफ इंसास सिस्टम। ये 1-2-3 सवाल हो गए, आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं जो इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स हैं जो कि आपको जानने जरूरी हैं, आप अपने नोट्स में इनको लिख लें, इनको याद रखिएगा। सबसे पहली न्यूज़ है, साइंटिस्ट इन द US एंड ऑस्ट्रेलिया हैव इम्पार्क्ड अ $15 मिलियन प्रोजेक्ट टू रिजरेक्ट द थाइलासीन और तस्मानियन टाइगर। तो ये जो US और ऑस्ट्रेलिया के साइंटिस्ट हैं, इन्होंने एक $15 मिलियन का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है ताकि ये रिजरेक्ट कर सके। रिजरेक्ट करने का मतलब दोबारा से ला सकें धरती पर, किसको, थाइलासीन या फिर तस्मानियन टाइगर को, विच वॉज अ मार्शूपियल। मार्शूपियल मतलब कि जो ऑस्ट्रेलिया में इस तरह के पाउच वाले जो एनिमल्स होते हैं, पाउच वाले एनिमल्स होते हैं, वो मार्शूपियल्स कहलाते हैं। द बेसिकली तस्मानियन टाइगर वॉज वन ऑफ दैट, मार्शूपियल था, एंड इट वेंट एक्सटिंक्ट इन 1930s, है ना, तो 1930s में ये एक्सटिंक्ट हो गया, और जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी के माध्यम से थाइलासीन या फिर तस्मानियन टाइगर को दोबारा रिजरेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। तो लेट मी शो यू वन फिगर ऑफ दैट। तो दिस इज़ इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़ है ये, तो आपको दिख रहा होगा ये है तस्मानियन टाइगर, दिस इज़ द तस्मानियन टाइगर, एंड बेसिकली इट्स अ वूली मैमथ, आपको दिख रहा होगा ये वूली मैमथ रिजरेक्शन प्रोजेक्ट है, दिस इज़ द वूली मैमथ रिजरेक्शन प्रोजेक्ट, एंड इसी के अंतर्गत ये रिजरेक्ट करने की कोशिश की जा रही है तस्मानियन टाइगर को, एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। थाइलासीन इनको कहा जाता था, दे आर नोन एज थाइलासीन, एंड ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने मिल करके इनको रिजरेक्ट करने की कोशिश की, तो दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट। कोई आपको दिख रहा है, This is the woolly mammoth, और फिर इसको thylacine बोलते हैं या फिर इसको Tasmanian tiger बोलते हैं, इसको आप याद रख सकते हैं। They're extinct now, IUCN के हिसाब से ये extinct है।
तो जैसा कि आपको यहाँ पर लिखा दिख रहा है, तस्मानियन टाइगर आर थाइलासिनस साइनोसेफेलस, इनको थाइलासिनस साइनोसेफेलस भी कहा जाता है, मार्शुपियल मैमल है। इट वॉज द ओनली एनिमल इन द थाइलासिनाइडे फैमिली टू सर्वाइव द मॉडर्न टाइम्स, यानी कि 1930s तक ये सर्वाइव कर गया है ना। एंड मार्शुपियल इज द मैमल इन ऑफ एन ऑर्डर ऑफ हुज मेंबर्स आर बॉर्न इनकम्प्लीटली डेवलप्ड एंड आर टिपिकली कैरीड एंड सकर्ड इन अ पाउच ऑन द मदर्स बेली। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये पाउच कैरी करते हैं और जब डेवलपमेंट स्टेज में जो इनका इन्फेंट रहता है वो पाउच में रहता है, तो ये मार्शुपियल फैमिली से भी बिलोंग करता था। दीज टाइगर्स अर्न्ड द निकनेम तस्मानियन टाइगर बिकॉज ऑफ द स्ट्राइप्स अलोंग इट्स बैक, तो इसके बैक में जो स्ट्राइप्स है उस कारण से इसका नाम तस्मानियन टाइगर रखा गया। इट वॉज अ स्लो पेस्ड कार्निवोरस दैट यूजली हंटेड अलोन और इन पेयर्स एट नाइट। तो इट एक्चुअली इट्स अ स्लो पेस्ड कार्निवोर ही है ना, मतलब कार्निवोर इसका मतलब है कि जो फूड चेन के जो टॉप लेयर है उसको ये ऑक्यूपाई करता है। आयुसेन स्टेटस जैसे कि मैंने कहा था एक्सटिंक्ट हो चुका है। 1936 में लास्ट टाइम ये होबार्ट जू में देखा गया था। और इट्स बेसिकली वन ऑफ द टॉप प्रेडेटर्स, तो टॉप प्रेडेटर है, इसीलिए एक प्रॉब्लम, देखो जब टॉप प्रेडेटर कहीं फूड चेन से एक्सटिंक्ट हो जाता है ना, तो उसमें जो प्रॉब्लम आती है उसको बोलते हैं ट्रॉफिक डाउनग्रेडिंग, ठीक है ना। ट्रॉफिक डाउनग्रेडिंग की समस्या शुरू होती है, तो एक्चुअली ड्यू टू एक्सटिंक्शन ऑफ द टॉप प्रेडेटर्स ट्रॉफिक डाउनग्रेडिंग अकर्स। ट्रॉफिक डाउनग्रेडिंग क्या है? इट इज कॉजल डिग्रेडेशन ऑफ एन इकोसिस्टम दैट अकर्स व्हेन हायर ट्रॉफिक लेवल एनिमल्स आर रिमूव्ड। जब हायर ट्रॉफिक लेवल एनिमल्स रिमूव हो जाते हैं तो ट्रॉफिक डाउनग्रेडिंग नाम की समस्या आती है। तो ये भी अपने नोट्स में आप लिखिएगा जरूर, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी न्यूज की तरफ आते हैं, तो यहां पे एक ब्लू रेवोल्यूशन करने के लिए, यानी कि आप सबको पता है ब्लू रेवोल्यूशन, यानी कि जो मराइन या फिर फिशरी सेक्टर में जो रेवोल्यूशन इंडिया करना चाहता है, तो टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट बोर्ड है विच इज़ द स्टेट्यूटरी बोर्ड अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है, याद रखिएगा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर एक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड बना हुआ है। भारत की बात हम कर रहे हैं, तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर एक टेक्नोलॉजी के अंतर्गत बना है ये टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड, और ये जो है इट इज फंडिंग इट्स फर्स्ट एक्वाकल्चर प्रोजेक्ट यूजिंग स्टेट ऑफ द आर्ट इजरायली टेक्नोलॉजी। तो इजरायली टेक्नोलॉजी का यूज करके ये फर्स्ट स्टेट ऑफ द आर्ट एक्वाकल्चर प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं बाय यूजिंग इजरायली टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ तिलापिया फिश, ठीक है ना। तो ये किसके लिए बना रहे हैं? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ तिलापिया फिश, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात तो आपको यहाँ पे दो तरीके के सवालों से तैयार रहना है। तो एक तो आपसे ब्लू रेवोल्यूशन के रिगार्डिंग कुछ भी स्टेटमेंट बना करके यूपीएससी पूछ सकते हैं, या फिर तिलापिया के बारे में कि ये तिलापिया न्यूज़ में था, ये किसकी स्पीशीज़ है, तस्मानियन टाइगर की है, ये फ़िश की है, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन बना सकते हैं। तो तिलापिया इज़ अ फ़िश, याद रखेगा। And tilapia has emerged to be one of the most productive and internationally traded food fish in the world. तो ये काफ़ी important fish है, I hope you will remember its name. And the culture of tilapia has become commercially popular in many parts of the world and fishery experts have dubbed the tilapia as aquatic chicken. इसको aquatic chicken भी कहा जाता है, तो tilapia काफ़ी famous है, तो यहीं से घुमा फिरा करके statement आपसे UPSC पूछ सकता है, and UPSC can ask you questions like these. तो please make sure you remember this. ये इसके जो दो तीन कीवर्ड मैंने बताया, एक्वेटिक चिकन हो गया या फिर ये फिश है, याद रखेगा। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव एंड इंटरनेशनली ट्रेडेड फूड फिश इन द वर्ल्ड, तो ये भी एक अच्छा स्टेटमेंट है, पूछा जा सकता है, ठीक है ना। आई होप यू विल रिमेंबर दैट। अब यहाँ पे तीसरी जो न्यूज़ है वो है एक्सरसाइज पिच ब्लैक इज शेड्यूल्ड टू बी ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन 19th August to 8th September। एक बाइनियल मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है विच इज़ होस्टेड बाय द रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स। तो रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स इसको होल्ड करेगा। इट्स अ बाइनियल मल्टीनेशनल एक्सरसाइज पिच ब्लैक, एक्सरसाइज पिच ब्लैक, इंडिया इसमें पार्टिसिपेट करेगा, रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स इसको होस्ट करेगा। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट, यू कैन रिमेंबर दैट। एंड नेक्स्ट इज़ अ वेरी फैक्चुअल न्यूज़ आइटम, गोवा हैज़ बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री विच हैज़ बीन द हर घर जल सर्टिफाइड स्टेट। तो हर घर जल सर्टिफाइड स्टेट पहला जो है वो गोवा बना है। इट इज़ द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू बी हर घर जल सर्टिफाइड। हर घर जल मतलब हर घर में जो वाटर अवेलेबिलिटी है, टैप वाटर
वाटर फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी गई है। कुल मिलाकर के यही है ना। और दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव ऑल्सो बिकेम हर घर जल सर्टिफाइड यूटी। तो यूटी के मामले में दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव और हर घर जल सर्टिफाइड स्टेट में गोवा इज द फर्स्ट वन, ठीक है ना। तो याद रखिएगा इसको। अगली जो न्यूज़ है वो मैंने ऑलरेडी आपको बताई है, एक फिर से बता रहा हूँ, नमस्ते स्कीम के बारे में। नमस्ते स्कीम लिख लीजिए, नमस्ते जॉइंट स्कीम है ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की। तो दो मिनिस्ट्रीज़ की जॉइंट स्कीम है। कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज़ हैं? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट और दूसरी आपकी है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की, ठीक है ना। और एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, दिस इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, और ये स्कीम प्रोवाइड करती है सेफ्टी एंड डिग्निटी टू सैनिटेशन वर्क। जैसा कि मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था कि जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं उनको सेफ्टी एंड सैनिटेशन प्रोवाइड करने का ये काम करती है। इट इज़ डन बाय इरेक्टिंग एन इनेबलिंग इकोसिस्टम टू रिकॉग्नाइज सैनिटेशन वर्कर्स अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर इन मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन ऑफ सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ऑब्वियसली यहाँ पर यह रिकॉग्नाइज किया जा रहा है कि जो सैनिटेशन वर्कर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक पीस है, जो कि सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत इंपॉर्टेंट पीस है। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा स्कीम के अंतर्गत? दिस स्कीम seek to provide sanitation workers a sustainable livelihood. Obviously, sustainable livelihood provide की जाएगी और इसमें technologies का use किया जाएगा, जो उनको clean करने के लिए safety gear या machines की ज़रूरत है वो provide की जाएगी। देखो वो क्या करते हैं, अभी तक वो हाथ से बिल्कुल साफ करना पड़ता है, and that is very risky as well. कई हमने news भी पढ़ी थी, कई sanitation workers हैं, 357 sanitation workers हैं जिन्होंने अगर हम पिछले 5-6 सालों की बात करें तो उसमें अपनी जान गंवा दी है। एंड दिस स्कीम इज बेसिकली फॉर प्रोवाइडिंग दिस इंपॉर्टेंट सेफ्टी गियर्स, इंपॉर्टेंट मशीन्स विच आर नीडेड फॉर क्लीनिंग एंड ऑल। तो नमस्ते स्कीम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम। इसकी मिनिस्ट्रीज दोनों याद रखेगा, ठीक है ना, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो बोथ स्कीम, बोथ मिनिस्ट्रीज आर इंपॉर्टेंट। अगली न्यूज़ आप देखिए, सीबीआई सर्चेस दिल्ली डिप्टी सीएम्स प्रेमाइसेस इन एक्साइज पॉलिसी केस। तो यहाँ पे सीबीआई न्यूज़ में है, तो एक बार हम सीबीआई के बारे में पहले बात कर लेते हैं। सीबीआई ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी है ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल। देखो मैं ये स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा फोकस इसलिए करता हूँ क्योंकि जब भी यूपीएससी सवाल पूछेगा वो ये सवाल ज़रूर पूछेगा कि ये स्टैट्यूटरी है, ऐसा कुछ स्टेटमेंट आपको देगा। बट याद रखना, इट्स नाइदर स्टैट्यूटरी नॉर अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। हालांकि इसकी जो पावर्स डिराइव होती हैं वो एक्ट के थ्रू होती हैं, जिसको हम दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट ज़रूर बोलते हैं। मैंने आपको कई बार बताया कि अगर कोई बॉडी अपनी पावर एक्ट से डिराइव कर रहा है, मैंने बताया किसी एक्ट के तहत अगर कोई बॉडी बनी है, एक्ट के तहत बॉडी बनने में और एक्ट से पावर डिराइव करने में दोनों में अंतर होता है, ठीक है ना। तो इट इज़ जस्ट डिराइविंग द पावर्स फ्रॉम दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, इट इज़ नॉट फॉर्म्ड अंडर दैट एक्ट, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। दूसरी चीज़, इसका फॉर्मेशन जो है उसका रिकमेंडेशन दिया था संथानम कमेटी ने, याद रखिएगा। संथानम कमेटी वॉज द कमेटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एंड उसने 1963 में इसका रिकमेंडेशन दिया था, 1962-63 में इसको बनाया गया था। फिर इसके बाद सीबीआई को इस्टैब्लिश किया गया और जब इस इनिशियल इसको बनाया गया तो इसका व्यू यही था कि करप्शन के केसेस को, जो एम्बेजलमेंट ऑफ फंड्स के केसेस हैं, सीरियस इकोनॉमिक फ्रॉड्स होते हैं, इन सबको दूर करने के लिए इसको बनाया गया था। लेकिन धीरे धीरे फिर इसमें एंटी करप्शन आपका बहुत सारे केसेस को फिर इसमें इन्वॉल्व किया जाने लगा, ठीक है ना, विद टाइम। स्मगलिंग के केसेस को, असासिनेशन, किडनैपिंग, हाईजैकिंग, इन सब केसेस को भी इंट्रोड्यूस किया जाने लगा। इंटरपोल की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव बॉडी के रूप में भी आपकी सीबीआई एक्ट करती है। सो दैट इज अनदर थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। देखो सीबीआई का जो एक डायरेक्टर होता है, जो हाईएस्ट पोस्ट है सीबीआई की, वो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की आईजी पुलिस के रैंक के बराबर होता है और दैट इज बेसिकली अपॉइंटेड ऑन द बेसिस ऑफ दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट टिल 2014 तक उसको दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत ही अपॉइंट किया जाता था 2014 में। लेकिन लोकपाल एक्ट के आने के बाद एक कमेटी बनाई गई जो कि डायरेक्टर को अपॉइंट करती है, मतलब उसके लिए रिकमेंड करती है। उस कमेटी में हेड रहता है प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन या फिर लीडर ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर सुप्रीम कोर्ट जज, जिसको सुप्रीम कोर्ट का जज जो कि चीफ जस्टिस नॉमिनेट करे। फिर होम मिनिस्ट्री सेंड्स अ लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट टू डीओपीटी, देन डीओपीटी प्रिपेयर्स द फाइनल लिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी, इंटीग्रिटी, ये सब है ना, एंड देन सेंड इट टू द कमेटी। फिर कमेटी जो है, जिसमें मैंने आपको तीन लोग बताए, एक तो प्राइम मिनिस्टर बताया, दूसरा मैंने आपको बताया कि लीडर ऑफ अपोजिशन या फिर लीडर ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी, देन मैंने आपको बताया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर सुप्रीम कोर्ट जज जो कि नॉमिनेटेड हुआ है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो फिर डायरेक्टर ऑफ द सीबीआई को अपॉइंट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ दैट, और डायरेक्टर
टेन्योर जो सीबीआई का है उसको 2 साल का टेन्योर प्रोवाइड किया गया है बाय सीवीसी एक्ट ऑफ 2003। तो सीवीसी एक्ट यानी कि सेंट्रल विजिलेंस एक्ट कमीशन एक्ट है 2003 का, उसके तहत 2 साल का टेन्योर प्रोवाइड किया गया है सीबीआई डायरेक्टर को। और 2021 की बात है कि एक गवर्नमेंट ने, प्रेसिडेंट ने एक ऑर्डिनेंस प्रमोलगेट किया था, 2 ऑर्डिनेंसेस प्रमोलगेट किए थे जिसमें कि सीबीआई का जो डायरेक्टर है और जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का डायरेक्टर है उनके टेन्योर्स को 2 साल से बढ़ा करके 5 साल तक किया जा सकता है, ऐसा उन्होंने ऑर्डिनेंस पास किया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं जो कि आपके लिए ज़रूरी है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आपको याद रहेगा, ठीक है। आगे मूव कर सकते हैं आप, देखते हैं आगे और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में डिस्कस करना है। तो यहाँ पर तो ऐसी कोई खास न्यूज़ नहीं है, आप यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ भी ऐसी कोई खास न्यूज़ नहीं रहेगी जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए है, है ना। और ये मुनव्वर फारूकी के शो को बेंगलुरु में कैंसिल किया गया है, तो ये तो सही किया गया। देखो मतलब मुझे नहीं, पर्सनली नहीं पसंद है मुनव्वर फारूकी, है ना। दे ट्राई टू बी वेरी मच ओवर स्मार्ट बट थ्रू देयर कंटेंट, द कंटेंट इज़ नॉट डेफिनेटली, दे आर ट्राइंग टू फीड अपॉन द कॉन्ट्रोवर्सीज विच आर देयर, तो ये गलत है एक चीज़, है ना। अब IEX के बारे में बताता हूँ आपको। अब यहाँ पे तेलंगाना का जो आपका पावर, तेलंगाना का स्टेट पावर यूटिलिटीज़ है तेलंगाना की, उसने कहा कि IEX यानी कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज जो है वहाँ पे प्रोक्योरमेंट के लिए, एनर्जी प्रोक्योरमेंट के लिए हमको पार्टिसिपेट नहीं करने दिया गया, ठीक है ना। तो IEX क्या है, देखो नाम से ही क्लियर है, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। अब एनर्जी एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स रहते हैं, जैसे कि पावर प्रोड्यूसर रहेगा, पावर ट्रेडर रहेगा और कंज्यूमर रहेगा, स्टेट के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स रहेंगे, ये सारे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और एक मार्केट लाइक मैकेनिज्म रहेगा जहाँ पे जो उस व्यक्ति की जो नीड्स हैं, एनी वन कैन सेल द पावर एज पर द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर्स, है ना। तो कंज्यूमर्स अपने नीड के अकॉर्डिंग ओपन एक्सेस में यहाँ पे ले सकते हैं पावर को, एंड दिस इज एनर्जी एक्सचेंज। और यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए आपको एक फीस पे करनी पड़ती है और आपको मेंबर बनना पड़ता है उस एक्सचेंज का, एंड देन यू आर एबल टू पार्टिसिपेट इन दैट। बट बहुत सारे स्टेट्स हैं जिनको IEX ने परमिशन नहीं दी इन पार्टिसिपेटिंग दैट, ठीक है ना। और याद रखिएगा IEX आपका ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था 2008 में, इट स्टार्टेड इट्स ऑपरेशन इन 2008, एंड इंडियन एनर्जी एक्सचेंज जो है इट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ पावर ट्रेडिंग इन इंडिया, पावर ट्रेडिंग इन इंडिया, और एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से अलग अलग जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो एक पावर मार्केट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है ना। तो एक पावर मार्केट बनाया जाता है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, डिजिटल ट्रेडिंग होती है जहाँ पे पावर की, और उसमें अलग अलग स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स, पावर प्रोड्यूसर्स, पावर ट्रेडर्स, ओपन एक्सेस कंज्यूमर्स, ये सारे पार्टिसिपेट करते हैं और सारे अपने नीड्स के अकॉर्डिंग, अपने जो प्रिस्क्राइब्ड रेट है उसके अकॉर्डिंग बिडिंग करते हैं, और बिडिंग के बाद उनको जो रिक्वायर्ड पावर है वो मिल जाती है, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। मुढ़ोल हाउंड्स ज्वाइन द प्रोटेक्शन फोर्स, तो यहाँ पे बहुत ही प्यारे ये डॉग्स हैं, मुढ़ोल हाउंड्स जिनको कहा जाता है, एंड दे विल बिकम पार्ट ऑफ द SPG यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जो है, विच इज़ इंडियाज एलीट प्रोटेक्शन फोर्स, लेट मी टेल यू अबाउट दैट ऑल्सो, उसका पार्ट बनेंगे मुढ़ोल हाउंड्स, ठीक है ना। और इनका एक याद रखिएगा इंस्टीट्यूट है, कैनाइन रिसर्च एंड इन्फॉर्मेशन सेंटर, क्रिक, याद रखिएगा, कैनाइन रिसर्च एंड इन्फॉर्मेशन सेंटर जिसको क्रिक बोलते हैं, कर्नाटका, काफ़ी इंपॉर्टेंट फेमस है ये, दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट थिंग, और वहीं पर इनकी ट्रेनिंग और ये सब प्रोवाइड की जाएगी, मुढ़ोल हाउंड्स, याद रखेगा। SPG के बारे में याद रखिएगा, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जो है 1985 में इनको बनाया गया था, एंड दे वर रेज्ड टू प्रोवाइड सिक्योरिटी कवर टू द प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एंड देयर इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स, ठीक है ना, याद रखिएगा, प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एंड देयर इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स। और ये एक और चीज़ याद रखिएगा कि अभी रिसेंटली 1985 में SPG को बनाया गया था, SPG के अंदर जो मेम्बर्स रहते हैं वो CRPF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और दूसरे सेंट्रल स्टेट फोर्सेस से के थ्रू आते हैं, ठीक है ना। अभी रिसेंटली आपको याद होगा 2019 में SPG में एक अमेंडमेंट किया गया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अब जो प्रोटेक्शन है VVIP जो प्रोटेक्शन है SPG की, वो प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एंड देयर इमीडिएट फैमिली मेंबर्स को दी जाएगी, लेकिन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स के केस में केवल 5 साल तक के लिए दी जाएगी, मतलब वंस दे वेकेट द ऑफिस दैट विल बी प्रोवाइडेड ओनली फॉर द 5 ईयर्स, या फिर जब तक उनको लगता है कि भाई कोई इनको खतरा है, अगर कोई खतरा नहीं है तो दैट विल बी विदड्रॉन, द SPG प्रोटेक्शन विल बी विदड्रॉन फ्रॉम देयर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल।
आगे मूव करते हैं, एडिटोरियल पार्ट में आते हैं। द पहला एडिटोरियल है द इनजस्टिस ऑफ एक्सेप्शनलिज्म। अब ये जो आर्टिकल लिखा गया है अभी रिसेंटली, आपको पता है 11 लोग, 11 मैन हु वेयर सेंटेंस टू लाइफ इंप्रिजनमेंट इन 2008 फॉर द गैंग रेप ऑफ बिल्किस बानो। याद रखेगा बिल्किस बानो का केस बहुत फेमस केस है। बिल्किस बानो केस में 11 लोगों को जो है वो लाइफ इंप्रिजनमेंट LI की सज़ा दी गई थी। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने उनको रिमिशन दे दिया, रिमिशन प्रोवाइड कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑथर का ये कहना है कि देखो अभी 2014 में क्या था, रिमिशन की पॉलिसी गुजरात में चेंज की गई, 2014 में पॉलिसी चेंज की गई, जिसमें कि ये कहा गया कि भाई जो रेप के और इस तरीके से जो हीनस क्राइम्स के आरोपी हैं, रेप जैसे क्राइम्स के, उनको किसी भी तरीके से प्री मैच्योर रिलीज़ नहीं प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन कोर्ट ने ये देखा कि जब इनको सज़ा पड़ी थी, यानी कि 1992 में जब सज़ा पड़ी थी, उस समय इनके पास ये पॉलिसी नहीं थी, मतलब ये जो एक्सेप्शन है वो नहीं था। तो कोर्ट ने कहा कि चूंकि 1992 में आपके यहाँ ऐसी कोई पॉलिसी नहीं थी कि रेप के जो इतने हीनस क्राइम के जो जो बंदी है उनको आप प्री मैच्योर रिलीज़ नहीं मतलब नहीं देने वाला एक्सेप्शन 2014 में आया है, 1992 में तो नहीं आया था, तो इसलिए उन्होंने कहा कि आप फिर दे सकते हैं। तो ऑथर का यहाँ पे ये कहना है कि भाई एक बात बताओ कि ये एक्सेप्शनलिज्म क्यों मतलब देखो, उनका ये कहना है कि पहली चीज़ तो कि केसेस का मतलब फिर हुआ क्या, विक्टिम का क्या करेंगे आप, जब आप एक तरीके से दे रहे हो एक्यूज को, तो फिर विक्टिम कहाँ जाए, विक्टिम को क्या आप बोलेंगे जब आप इनकी सज़ा पूरी नहीं होने दें। तो फर्स्ट थिंग तो ये इट इज़ अनजस्टिस अगेंस्ट द विक्टिम, इसको लिख लेना, इट इज़ थॉट टू बी एन अनजस्टिस अगेंस्ट द विक्टिम, इट इज़ अनजस्ट फॉर द विक्टिम। ये पहला पॉइंट आप लिख लीजिए। दूसरा पॉइंट जो ऑथर ने कहा है वो ये कहा है कि भाई इतने लोग हैं, देर आर मैनी पीपल हु आर स्टिल नॉट गेटिंग दिस प्री मैच्योर रिलीफ बिकॉज ऑफ दैट कंडीशन ऑफ 2014। तो उन लोगों ने क्या बिगाड़ा है, अगर आप किसी एक व्यक्ति को दे रहे हो देन वाई नॉट गिव इट टू अदर्स एज वेल। So that is a point which the author has raised. There are many other people who are still waiting for the relief to be granted to them. So if you have granted relief to these 11 persons, will you be granting relief to others as well or not? So that is a big question. तो ये दूसरा जो है, author ने कहा कि exceptionalism जो है remission में, that should not have happened. That is a thing. And यहाँ पे देखो वही वाली बात है, it's a core injustice in the Bilkis Banu case. The core injustice of Bilkis Banu. एक तो यहाँ पे ऑथर ने दो ही पॉइंट उठाए, मेन वही है, पहला इट इज़ अ इनजस्टिस टू द विक्टिम, विक्टिम के अगेंस्ट इनजस्टिस है, दूसरा वाई दिस एक्सेप्शनलिज्म, मतलब कि वाई आर यू ग्रांटिंग जस्ट, मतलब वही वाली बात ना, रिलीफ प्रोवाइड करो तो सबको प्रोवाइड करो, केस बाय केस बेसिस बोल करके आप कई बार ऐसे अनजस्ट केसेस में रिलीफ दे देते हो, प्री मैच्योर रिलीफ दे देते हो, और वहीं पे कई केसेस ऐसे रहते हैं जो सिंपल केसेस रहते हैं, लेकिन वहाँ पे आप एक्सेप्शनलिज्म का केस बना देते हो और वहाँ उनको नहीं देते हो। तो याद रखिएगा प्री मैच्योर रिलीफ का, जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रेसिडेंट के पास पावर है आर्टिकल 72 के अंतर्गत, 161 के अंतर्गत गवर्नर के पास है, और 432 के अंतर्गत CRPC में ये स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है। आई होप यू विल रिमेंबर दीज फैक्ट्स एज वेल। अगला आर्टिकल है एंड दिस एसिमेट्रिकल कन्फ्लिक्ट ओवर फ्रीबीज। अब यहाँ पे ऑथर ने कहा है जो फ्रीबीज हैं, देखो यहाँ फ्रीबीज में दो अलग अलग व्यू पॉइंट हैं, मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया है फ्रीबीज के दो व्यू पॉइंट है। पहला तो ये जो बोलता है कि ये रेवड़ी कल्चर है, दिस इज रेवड़ी कल्चर, है ना, रेवड़ी कल्चर का नाम दिया ना कुछ लोगों ने इसको, भैया एक तरह से रेवड़ी बट रही है जैसा कि। सेकेंड बोला कि भैया ये इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सोशल असिस्टेंस, इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, ठीक है ना। तो दो तरीके के व्यूज़ हैं, एक तरीके का व्यू आपको रेवड़ी कल्चर बोलता है कि दिस शुड नॉट हैपन, दिस इज एक्चुअली अ बर्डन ऑन द टैक्स पेयर, इट इज़ अ बर्डन ऑन दैट, इट इज़ द वेस्ट ऑफ मनी, इट इज़ अ वेस्ट ऑफ सप्लाईज, इट इज़ अ वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज। और दूसरा कहता है कि भाई इट इज़ एक्चुअली अ सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम विच नीड्स टू बी देयर, है ना, ये होना चाहिए। अब आप, मैंने पहले भी आपसे क्वेश्चन पूछा है, वही क्वेश्चन फिर से पूछूंगा कि क्या आप मिड डे मील, जो मिड डे मील चलता है स्कूलों में 1995 से चल रहा है मिड डे मील, क्या इसको आप रेवड़ी कल्चर बोलेंगे, विल इट बी कॉल्ड रेवड़ी कल्चर? नो, इट विल नॉट बी कॉल्ड रेवड़ी कल्चर। फिर ऑथर ने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पॉइंट आउट किए, जैसे कि यहाँ पे ऑथर ने पॉइंट आउट किया है कि इंडिया में अभी भी, लेकिन जो फ्रीबीज के नाम पे जो असिस्टेंस मिल भी रहा है, इफ़ द असिस्टेंस इज़ बीइंग प्रोवाइडेड इन इंडिया, एक जो ऑथर का इशू है वो ये कि असिस्टेंस सही लोगों के पास नहीं पहुंच रहा है, स्टिल द असिस्टेंस इज़ नॉट रीचिंग द राइट पर्सन। फॉर एग्जांपल इफ़ यू सी द वेल्थ इनइक्वालिटी इंडेक्स, जब वेल्थ इनइक्वालिटी इंडेक्स आप देखेंगे तो वो कहता है कि इंडिया का जो अपर कास्ट है दैट होल्ड्स नियरली 47% ऑफ द नेशनल एवरेज एनुअल हाउस होल्ड इनकम। तो द अपर कास्ट होल्ड दी 47% और नेशनल एवरेज एनुअल
ओवरऑल इनकम का इतना परसेंटेज अपर कास्ट होल्ड करती है। इसके अलावा ये कहते हैं 93% ऑफ द टॉप कॉरपोरेट बोर्ड मेंबर्स एंड 61.8% ऑफ द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज आर ओन्ड बाय अपर कास्ट। ये दो डेटा आपको दिखा रहा हूँ मैं। तो इनका ये कहना है कि द फ्रीबीज इन द फॉर्म ऑफ इंसेंटिव्स आर बेनिफिट टू द अपर कास्ट एलीट्स ओनली। तो एक ऑथर ने बोला कि ये जरूर आपको सेपरेट आउट करना चाहिए कि ये जो फ्रीबीज हैं ये कहीं ऐसा ना हो कि केवल अपर कास्ट या जो ऑलरेडी अप इन द एरिना है उनको आप देते रहे, बाकियों को ना दिए दें। दूसरा जो ऑथर ने इशू उठाया वो इशू उठाया है, मैंने पहले भी आपको बताया था, टैक्स का। टैक्स का कैसा इशू, देखो क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो डायरेक्ट टैक्स होता है, द डायरेक्ट टैक्स इज़ अ वेरी प्रोग्रेसिव टैक्स। डायरेक्ट टैक्स को प्रोग्रेसिव टैक्स बोलते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स को रिग्रेसिव टैक्स बोलते हैं। क्यों ऐसा बोलते हैं, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जिसके पास ज़्यादा इनकम है उसको ज़्यादा देना पड़ता है और इनडायरेक्ट टैक्स सबको बराबर देना पड़ता है, मतलब वो गरीबी नहीं देखता। अगर आप नॉर्मल होटल में जाके खा रहे हैं तो आपको जितना पड़ेगा उतना ही गरीब व्यक्ति को भी उतना ही पड़ेगा। तो ऑथर ने कहा कि ये जो टैक्सेशन सिस्टम है ये ऑलरेडी इंडिया का बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटरी या फिर डिफरेंशियल टैक्स बर्डन इसका पड़ता है ना, मतलब कि गरीब भी उतना ही ज्यादा उसको पे करना पड़ता है। और इंडिया में यही होता आ रहा है, जहां एक तरफ इनडायरेक्ट टैक्सेस खत्म होने चाहिए धीरे धीरे और डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ने चाहिए, वहीं पे आज हम पूरा सिस्टम इनडायरेक्ट टैक्स की तरफ ले जा चुके हैं, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज देयर। इसके अलावा ऑथर ने कहा कि इसके बाद अगर आप देखें तो फिस्कली जो स्टेट्स हैं उनके पास और भी पावर्स आपने कम कर दी है, मतलब कि पहले वो कुछ टैक्स कलेक्ट भी करते थे, बट जीएसटी के जाने के बाद स्टेट्स ने अपना ऑलरेडी टैक्स कलेक्शन का पावर फोरगो कर दिया है, ठीक है ना। इसके अलावा आपने प्लानिंग कमीशन को खत्म कर दिया और आपने क्या बना दिया, आपने नीति आयोग बना दिया। ना केवल प्लानिंग कमीशन खत्म किया, पूरा का पूरा जो पावर है वो फाइनेंस कमीशन के पास चला गया कि कितना स्टेट्स के पास आएगा कितना जाएगा, उनका जीएसटी आ गया और दूसरा फाइनेंस कमीशन बस बचा। इसका मतलब है कि स्टेट्स पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो गए, पैसे के लिए किसके लिए ऊपर डिपेंडेंट हो गए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ऊपर डिपेंडेंट हो गए। अब ऐसे में ऑथर कह रहा है कि अगर स्टेट की पॉलिसीज भी अगर डिटरमाइन करने लगे सेंटर, मतलब कि वो बताने लगे कि कहां खर्चा कर सकते हैं कहां नहीं, तो ये दैट विल बी अ वेरी वेरी बैड थिंग टू हैपन, दैट विल बी अ वेरी बैड थिंग टू हैपन। फिर ऑथर ने यहाँ पे कुछ केसेस बताए, जैसे आर के गर्ग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है और बालको एम्प्लॉयज यूनियन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं दे शुड बी व्यूड विद ग्रेटर लैटिट्यूड एंड डिफरेंस एंड दैट द विजडम ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज इज नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। जो विजडम ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज होता है दैट इज नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। तो ऑथर ने वही कहा कि भैया ये जो प्लान है एटलीस्ट स्टेट गवर्नमेंट्स को आप देने दो, पावर रहने दो, और ये जो फ्रीबीज आप कह रहे हैं उसको सोशल वेलफेयर मेजर्स का नाम ऑथर ने दिया है। और हाँ, उसमें थोड़ा सा हमको ये जरूर देखना है कि जो सही लोग हैं उनको आप मिले, उनको जरूर मिले, लेकिन इस तरीके का असिस्टेंस जो जैसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग जगह का असिस्टेंस हो सकता है, जैसे कि राजस्थान में ड्रिंकिंग वाटर के नाम पर असिस्टेंस हो सकता है, केरला में फिस्कल इंसेंटिव्स हो सकते हैं, है ना, तमिलनाडु में एजुकेशन या मैरिज हो सकता है। तो ऑथर ने कहा कि इनको अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से इनको देने दो और ये दैट इज़ वेरी मच एसेंशियल फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, है ना। तो ऑथर ने यही व्यू पॉइंट यहां पे रखा है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे देखते हैं, अगली न्यूज़ आपको दिख रही होगी, इंडियन टीम डेलिबरेटिंग ऑन ओशन डाइवर्सिटी पैक्ट। अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक डेलीगेशन है इंडिया का और दूसरी मेंबर कंट्रीज़ का जो कि यूनाइटेड नेशंस की और बाकी मेंबर्स हैं, दे आर डेलीबरेटिंग इन न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में डेलीबरेट कर रहे हैं ऑन वन ऑफ इट्स काइंड एग्रीमेंट। अपनी तरह का एक एग्रीमेंट है, अपने आप में एक अनोखा एग्रीमेंट है, मतलब कि विच इज़ देयर, लिख लो इसको, इसको पहले तो एक नाम लिख देना आप लोग, ओशन डाइवर्सिटी पैक्ट लिख देना नाम, ओशन डाइवर्सिटी पैक्ट के अंदर लिख देना इट इज़ द एग्रीमेंट फॉर कंजर्विंग द मरीन बायोडाइवर्सिटी इन द हाई सीज। ये जो रीजन जिसको ये टारगेट करेगा ये हाई सी का रीजन है। हाई सी का रीजन मतलब कि ऐसा रीजन जो कि कंट्री की जो टेरिटोरियल वाटर्स हैं उनके बाद जो रहता है ना, कंट्री के मतलब बियॉन्ड कंट्रीज टेरिटोरियल वाटर्स है ना, हाई सी मतलब कि आउट ऑफ दैट बियॉन्ड कंट्रीज टेरिटोरियल वाटर्स, ठीक है ना। तो दैट इज एक्चुअली द हाई सी। लेट मी शो यू डायग्राम पहले। तो अगर आपको ये डायग्राम दिख रहा है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं यानी यूएस के उससे लिया हुआ है, तो जैसे पहले 12 नॉटिकल माइल्स तक तो आपका टेरिटोरियल सी है, दिस इज टेरिटोरियल सी, जहाँ पे कंप्लीट सॉवरेनिटी रहती है, आपकी जो कंट्री रहती है उसकी कंप्लीट सॉवरेनिटी रहती है। ये सारा कुछ कैलकुलेट किया जाता है बेस लाइन से, तो जो बेस लाइन है वहाँ से कैलकुलेट किया जाता है, 12 नॉटिकल माइल बेस लाइन से आपका ये आपका होता है टेरिटोरियल सी, और ये नेशनल एयर स्पेस भी होता है आपका, और यहाँ से 24 नॉटिकल माइल तक आपका कंटिग्यूस जोन होता है, दिस इज द कंटिग्यूस जोन,
और फिर यहाँ से ही आपका 200 नॉटिकल माइल्स तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाद जो एरिया है पूरा हाई सी का एरिया कहलाता है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना, हाई सी का एरिया जो है वो 200 नॉटिकल माइल्स के बाद कहलाता है। तो दिस इज व्हाट योर हाई सी लुक्स लाइक, आई होप यू विल रिमेंबर दिस। ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा, प्लीज़ मेक श्योर यू रिमेंबर दिस। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो प्रोजेक्ट है ये हाई सीज में बेसिकली कहना चाहिए बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, और बायोडाइवर्सिटी में जो हाई सीज में जो वाटर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए है। ये जो मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताया था, दिस इज़ एज पर द 1982 अनक्लॉज, जिसको हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी। याद रखिएगा, अनक्लॉज बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी। इसी के अंतर्गत ये सारी जो मैंने आपको क्लासेस बताई हैं कि कौन सा टेरिटोरियल है, कौन सा इंटरनल वाटर्स है, कौन सा क्या है, ये अच्छी दिया हुआ है। इसके बारे में थोड़ा सा और बता दूं, अनक्लॉज को ही लॉ ऑफ द सी कहते हैं या लॉ ऑफ द सी ट्रीटी भी कहते हैं। 16 नवंबर 1982 को ये ट्रीटी आई थी। ये ट्रीटी डिफाइन करती है कि क्या राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं नेशंस के विद रिस्पेक्ट टू द यूज़ ऑफ वर्ल्ड ओशियंस, या फिर क्या गाइडलाइंस है किस तरीके से उनको ओशियंस में अपने बिजनेस को ट्रांजैक्ट करना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, ठीक है ना। तीन बॉडीज़ हैं जिसके जो इसके अंतर्गत बनी है। एक तो इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर लॉ ऑफ द सी है, जो ट्रिब्यूनल का काम करता है। इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी है, जो कि कौन सा मिनरल कौन सा क्या है उसके बारे में काम करता है। फिर एक है कमीशन ऑन द लिमिट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ, जो कंट्रीज़ की कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में काम करता है। यूएन क्लॉज यानी कि अनक्लॉज डज नॉट डील विद मैटर्स ऑफ टेरिटोरियल डिस्प्यूट। याद रखेगा, अनक्लॉज टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स के मैटर नहीं देखता है, ठीक है ना, सॉवरेनिटी के मैटर नहीं देखता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इस एग्रीमेंट का जो की एस्पेक्ट रहेगा, यानी कि किस एग्रीमेंट का, आपका ओशन डाइवर्सिटी पैक्ट का जो एग्रीमेंट का की एस्पेक्ट रहेगा, दैट इज रिगार्डिंग द ऑन डिसाइडिंग द राइट्स ऑफ द कंपनीज दैट अंडरटेक द एक्सप्लोरेशन फॉर बायोलॉजिकल रिसोर्सेज इन द हाई सीज। तो बेसिकली की एस्पेक्ट ये रहेगा कि ऐसे जो कंपनीज एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का हाई सीज में स्पेशली, वो किस तरीके से, किस प्रिंसिपल से ऑपरेट करेंगी, किस तरह से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एक्ट करेंगे, क्या जो उसके बेनिफिट्स हैं सबके साथ शेयर किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे। द फोकस विल बी ऑन माइनिंग एक्टिविटीज इन द हाई सी एरिया, फॉर एग्जाम्पल गैस के हाइड्रेट्स की माइनिंग हो, या प्रीशियस मेटल्स की माइनिंग हो, या फ्यूल की माइनिंग हो, और इसके जो एडवांस हैं मतलब कि वो उसका किस तरीके से शेयरिंग किया जाएगा, ये सारे जो मेजर इश्यूज हैं ये इस और मतलब ओशन डाइवर्सिटी पैक्ट के अंतर्गत किया जाएगा। याद रखिए, आपको याद रखना है, ठीक है ना। एंड जून में लास्ट ईयर आपको याद होगा 2021 में ही हमारे यहाँ यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी फॉर इंडिया, ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी ऑफ इंडिया, जो कि 4000 करोड़ का प्रोग्राम है, 5 सालों तक के लिए किया गया है, 2021 से 2026 तक के लिए। एंड दैट विल बी वेरी मच लुकिंग फॉर बायो प्रोस्पेक्टिंग ऑफ डीप सीज फ्लोरा एंड फौना, जो चाहे माइक्रोब्स हो, चाहे फ्लोरा हो, चाहे फौना हो, उन सभी को बायो प्रोस्पेक्टिंग मतलब कि उनमें से कुछ उनके बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस को निकालते हुए फिर उसका यूज़ किया जाएगा कमर्शियली ज़रूर, और सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ द डीप सी, ये भी इंडिया की इस पॉलिसी का एक बहुत बड़ा वो है, ठीक है ना। दैट इज़ अ थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट, आई होप यू विल रिमेंबर दिस थिंग एज वेल। तो आप इसको याद रखेगा। आगे मूव करते हैं, मिसहैप एट मेघालय कोल माइन लीव्स वन डेड। तो मेघालय में कोल माइन में एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें मतलब एक व्यक्ति की डेथ भी हो गई है। कोल माइनिंग जो है, मैं आपको बता दूं, माइनिंग जो है वो एक तरीके से बता दूं, वो दो तरीके से होती है, टू टाइप्स ऑफ माइनिंग आर देयर। फर्स्ट माइनिंग होती है सरफेस या फिर ओपन कास्ट माइनिंग बोलते हैं, सरफेस माइनिंग या फिर ओपन कास्ट माइनिंग, और सेकेंड होती है अंडरग्राउंड माइनिंग। दोनों माइनिंग डिपेंड करती है कि कहाँ पे मिनरल्स हैं, मतलब कि अगर बहुत शैलो डेप्थ पे मिनरल है तो उसको ओपन कास्ट या फिर शैलो या फिर सरफेस माइनिंग की जाती है उसमें। लेकिन सरफेस माइनिंग काफ़ी ज़्यादा रिस्की भी होती है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं सरफेस माइनिंग में। और अंडरग्राउंड माइनिंग इसलिए नहीं की जाती क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, बहुत सारे इक्विपमेंट रखते हैं, रॉक्स के अंदर फ्रैक्चर करके फ्रैकिंग की टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उसमें किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो बेसिकली टू टाइप्स ऑफ माइनिंग आर देयर, ओपन कास्ट ये और सेकेंड वन इज दैट। अजय भल्ला गेट्स अनदर ईयर एज होम सेक्रेटरी। तो अपॉइंटमेंट कमेटी जो कैबिनेट की, उसने एक और साल का एक्सटेंशन दे दिया है यूनियन होम सेक्रेटरी अजय भल्ला को। लास्ट ईयर भी अजय भल्ला जी को एक्सटेंशन दिया गया था, उनका टर्म 2021 जून में ख़त्म हो गया था, तो अपॉइंटमेंट कमेटी ने उनको अगस्त 2021 तक का एक्सटेंशन दिया था। अब अगस्त से बढ़ा करके इसको मतलब 2021 से बढ़ा करके 2022 से बढ़ा करके 2023 कर दिया गया है।
उत्तर प्रदेश टू जनरेट 16 गीगावाट सोलर पावर इन 5 ईयर्स। तो उत्तर प्रदेश ने 2022 से लेकर के 2027 तक की 2022 से लेकर के 2026-27 तक की पॉलिसी बना ली है एंड 16,000 मेगावाट ऑफ रिन्यूएबल पावर को डेवलप करने वाले। उनके प्रोग्राम का नाम है UPNEDA यानी कि उत्तर प्रदेश न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। एक उन्होंने किसने पॉलिसी बनाई है, उत्तर प्रदेश न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ने बनाई है। 16,000 मेगावाट का टारगेट है जो उन्होंने रखा है और लगभग दे विल डेवलप 20 सोलर सिटीज अंडर दिस। 1,000,000 हाउस होल्ड्स हैं जहाँ पर रूफ टॉप इंस्टॉलेशन किया जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल। चाइना पाल का नाम आया था, तो शी इज़ एन आइडल मेकर जो कि दुर्गा जी के आइडल्स और ये सब बनाते हैं, तो दैट इज़ अ थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट। पुतिन एंड जी जिनपिंग विल अटेंड द G20 मीट। तो इस बार की G20 मीट हो कहाँ पे रही है, इसकी लोकेशन याद रखेगा, इंडोनेशिया में हो रही है, इंडोनेशिया इज होस्टिंग दैट। और आप लोग के लिए सवाल ये है कि G20 के मेंबर्स कौन कौन से हैं, विच कंट्रीज आर द मेंबर ऑफ G20, तो दैट इज़ अ थिंग, याद करके एक बार मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कौन कौन से मेंबर्स हैं G20 के, ठीक है ना। सो वी कैन मूव अहेड। यहाँ पे ऐसी कोई न्यूज़ आइटम नहीं जो आपके साथ डिस्कस की जाए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी हमने सारा डिस्कस किया हुआ है। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक्ड द वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।